नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। दिवाली, साल भर से हमें इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार होता है। चारों तरफ दिए ही दिए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। ये रोशनी सिंबलाइज करती है कि हमारे जीवन में जो भी अंधेरा है, जो भी अंधकार है, वो मिटे। क्या तरीका है दिवाली की इजी पूजा करने का? बहुत लोग मुझसे, उन्होंने ये सवाल किया है मुझसे, खास करके उन लोगों ने जो कि फैमिली से दूर रह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि दिवाली पूजन का सही और आसान तरीका क्या है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम दिवाली की पूजा करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि दिवाली की जो पूजा है, जो हम लक्ष्मी गणेश को जो हम बिठाते हैं, वो हम फ्लोर पे नहीं करते हैं, ज़मीन पे नहीं करते हैं। तो वो आप कोशिश करें कि कोई स्टूल ले लें, या कोई चौकी हो, या कोई प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर जो है पूजा करें। तो उसके लिए सबसे पहले जगह को साफ़ करें, उसके ऊपर एक लाल, साफ़ लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाएं। कुछ चावल लें, चावल की जो एक हीप या एक ढेरी सी बना लें, उसके ऊपर साफ कलश लें। कलश में यदि आपके पास गंगा जल ईजीली अवेलेबल है तो आप उस कलश को गंगा जल से भरें। यदि गंगा जल नहीं है तो आप साफ पानी डाल सकते हैं। आम के कुछ पत्ते लें, आम के पत्ते उस कलश में रखें। उसके बाद जो है, उसमें बीच में जो है नारियल ज़रूर रखें। नारियल, जिसको हम श्री फल भी कहते हैं, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो नारियल ज़रूर रखें। फिर एक आम, एक पान का पत्ता जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो नारियल के ऊपर जो है पान का पत्ता ज़रूर रखें। तो ये हमने चावल की ढेरी के ऊपर जो है कलश के अंदर ये सारा सामान रख दिया। अब कमल का फूल, कमल का फूल भी लक्ष्मी जी का फेवरेट फ्लावर है, तो कमल का फूल अगर आपको इजीली मिल जाता है तो आप कमल का फूल भी लाएं, और कमल का फूल भी जहां पूजा कर रहे हैं वहां पे ज़रूर रखें। फिर जो है, आप एक थाली लें, थाली के अंदर सोने या चांदी के सिक्के, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो सिक्के जो हैं उसके अंदर रखें। मिठाई रखें, फल मौसम का जो भी आता है वो रखें। रोली, जो लाल रंग का सिंदूर होता है, जो हम भगवान के लगाते हैं और अपने भी लगाते हैं, वो रोली ज़रूर रखें। साथ में हल्दी, हल्दी ज़रूर रखिएगा। और हल्दी रखने के बाद जो है, क्या कहते हैं, चावल भी थोड़े से होने चाहिए। अब जो है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, या जो अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो फ़ोटो रखें। अब वैसे तो बाज़ार में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एक साथ मिल जाती है, पर यदि आप अलग अलग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेके आ रहे हैं तो गणेश जी की मूर्ति रखिए, उसके राइट साइड में जो है लक्ष्मी जी को रखिए। सरस्वती जी की भी पूजा इस दिन ज़रूर होती है, तो लक्ष्मी गणेश के साथ सरस्वती जी की फ़ोटो या सरस्वती जी की मूर्ति जो है वो भी ज़रूर रखें। भगवान को जो है हमेशा फ्रेश फ्लावर्स की ही माला चढ़ाएं। कुछ फूल जो है उनकी तस्वीर के पास में नीचे ज़रूर रख दें। दिए ज़रूर जलाएं, खास करके एक बड़ा दिया जो है लक्ष्मी जी की फ़ोटो के या मूर्ति के आगे रखें, जो कोशिश करें कि रात भर जो है जलता रहे। तो ये तो हो गई जी हमारी पूरी पूजा की तैयारी। फिर आपने भगवान के जो है रोली और हल्दी मिला के जो है सिंदूर करना लगाना है, और मूली बांधनी है, और थोड़े से चावल लगाने। ऐसा ही आपने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी करना है। जो ये पूजा मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ऑफिस में अपने काम की जगह पे भी कर सकते हैं, और घर में तो आप प्लीज़ ज़रूर से करें ही करें, और कोशिश करें कि सारा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ बैठ के जो है ये पूजा करें। तो अब हमारी पूजा की तैयारी तो हो गई, अब पूजा किस तरह से करी जाए। तो सबसे पहले जो है अष्ट लक्ष्मी, अष्ट मीन्स आठ, आठ तरह की लक्ष्मियाँ होती हैं। हम जनरली सोचते हैं कि लक्ष्मी जो है सिर्फ धन की देवी होती हैं, और उनका हम जो है पूजा जो है सिर्फ धन या पैसा कमाने, पैसा हमारे पास आए इसके लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है, आठ तरह की लक्ष्मियाँ होती हैं, और ये चार, इन आठों लक्ष्मियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे कि सौभाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, इनमें से एक भी लक्ष्मी अगर की कमी हुई तो जीवन में बहुत बड़ी कमी होती है। तो हम जो है सबसे पहले ये आठों लक्ष्मियों का, अष्ट लक्ष्मियों का आह्वान करेंगे, इनका नाम लेंगे, और ये भगवान से दुआ करेंगे कि आठों लक्ष्मियाँ हमारे जीवन में हमेशा रहें। उसके बाद श्री सूक्तम, श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, जो कि लक्ष्मी जी के लिए होता है। वो पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती करेंगे और फिर लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। सो इस तरह जो है हमारी पूजा जो है वो समापन होगी। अब पूजा का मुहूर्त, कि किस समय पूजा की जाए। सो देखिए, शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो 6:40 से शुरू हो रहा है और 8:15 तक का है। कई लोग आधी रात को, मध्य रात्रि का भी पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, तो उसका जो मुहूर्त है वो रात में 11:30 से लेके रात को 12:30 तक का है। तो आप उस टाइम पे जो है लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। धन, धान्य, सौभाग्य और ज्ञान, ये हम सब के जीवन में हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना हम इस दिवाली लक्ष्मी जी से करेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली।